आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होगा। तो आइए बताते हैं कि यूपी के दूसरे चरण में 9 बजे तक किस जिले में कितने % वोटिंग हुए हैं। तो वही आपको बता दे, अभी तक टोटल 9.45% वोटिंग हो चुके हैं। सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुके हैं। बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुके हैं। अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुके हैं। शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुके हैं। बात अगर संभल की करें तो संभल में 10.76% वोटिंग हो चुके हैं। बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुके हैं। रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुके हैं। वहीं बदायूं में 9.18% वोटिंग हो चुके हैं। मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुके हैं। सुबह के 9 बजे तक 9.45% वोटिंग हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए आपको हम बता रहे हैं 9.45% वोटिंग हो चुकी है। आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं कि आज दूसरे चरण का चुनाव है। 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो वहीं अभी तक सुबह के 9 बजे तक कुल 9.45% वोटिंग हो चुके हैं। बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुके हैं। बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुके हैं। अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुके हैं। शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुके हैं। संभल में 10.76% वोटिंग हो चुके हैं। बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुके हैं। रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुके हैं। वहीं बदायूं में 9.18% वोटिंग हो चुके हैं। मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर, संभल से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव होना है। 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है। कुल 586 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। 10 मार्च को यह पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना नेता चुना है। जनता आगे 5 साल और किसको मौका देगी अपने विकास का, अपने प्रदेश के, अपने जिले के विकास का। आपको हम तस्वीरों में अलग अलग पोलिंग बूथों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर, संभल में लोग बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का चुनाव है। 9 जिलों के 55 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम के 6 बजे तक मतदान करेगा प्राइम टीवी की टीम की। अब से खास गुजारिश, अगर आपके जिले में भी मतदान हो रहा है तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मतदान के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने और बढ़ चढ़ कर मतदान के इस महापर्व को मनाए। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर हो रहा है। कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बदायूं में, बिजनौर में, सहारनपुर में, संभल में लोग हर एक पोलिंग बूथ पे पहुंचे हुए हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक कुल मतदान 9.45% हो चुका है। सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुका है। तो वहीं बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुका है। अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुका है। शाहजहांपुर में 7.8% वोटिंग हो चुका है। संभल में 10.76% वोटिंग हो चुका है। बात अगर बरेली की करें तो बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुका है। रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुका है। रामपुर हॉट सीट भी बना हुआ है। आजम खां सीतापुर की जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही उनके बेटे आजम अब्दुल्ला खां स्वार सीट से लड़ रहे हैं। आजम खां के सामने भी बसपा, कांग्रेस और भाजपा से कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं रामपुर सीट से आजम खां की प्रतिष्ठा पे लगी हुई है। रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुकी है। आपको
हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद हो चुके हैं। वहीं सहारनपुर से संवाददाता सुहेल गौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको बताने के लिए वोटिंग परसेंटेज क्या है, वहां का चुनावी माहौल क्या है। सुहेल, अभी तक कितने परसेंट वोटिंग हो चुका है, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्साह सहारनपुर के अंदर जो है मतदाताओं में पूर्ण रूप से जो है उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई थी और 9 बजे तक की अगर बात हम कर लें तो 9 बजे तक सहारनपुर जिले में 12.4% जो है मतदान हो चुका है। अगर बात करें बेहट विधानसभा सीट की तो वहां पर सर्वाधिक इस समय जो है मतदान हुआ है 15%, नुकुड़ में 8%, नगर क्षेत्र में जो है 12%, देहात जो सीट है वहां पर 13% और देवबंद नगर की बात करें तो वहां पर 13%, रामपुर मनिहारान के अंदर जो है 15%, गंगो विधानसभा में 11% जो है मतदान अब तक हो चुका है। तो बात की जाए सहारनपुर में मात्र 2 घंटे के अंदर अगर मतदान प्रतिशत देखा जाए तो 12.4% एक अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है। लोग लगातार जो है मतदान केंद्रों की ओर निकल रहे हैं, लगातार मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी सुहेल, क्या आप वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की, वहाँ के लोगों का इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वो वोट देंगे, किस मुद्दे पर वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे? देखिए, लोगों का मुद्दा जो है वही मैंने आपको बताया था पहले भी, जब हमारा लाइव जुड़ा था तो मैंने बताया था कि जो यहाँ के मुद्दे हैं मेन मूलभूत मुद्दे वही हैं, बिजली पानी सड़क व्यवस्था कानून व्यवस्था शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य। लेकिन धार्मिक मुद्दे भी जो है इन पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हावी नहीं है। देवबंद क्षेत्र की बात करें या फिर नगर क्षेत्र की बात करें, बेहट घाट क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, धार्मिक मुद्दे भी प्रभावी रहे हैं और सरकार की जो है योजनाओं को भी लोग जो है उपलब्धि के तौर पर गिनाकर वोट दे रहे हैं और उसकी कमियां गिनाकर भी वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे सीधा जानेंगे। आपने वोट किया? जी वोट किया। क्या नाम है आप? हज्जी गल्लू। क्या मुद्दे रहे आपके वोट? हमने परिवर्तन के लिए दिया, बदलाव की वजह से वोट दिया। और क्या क्या मुद्दे? यही है कि यहाँ पे बच्चे जो है बेरोजगार है, शिक्षा में दिक्कत है, मतलब जो है काफी दिक्कत है, इसलिए हमने। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने वोट दे दिया? जी मैंने वोट दे दिया। क्या मुद्दे रहे आपके? मेरे वोट के मुद्दे ये हैं कि हमें चाहिए बदलाव और एजुकेशन चाहिए। हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन के साथ साथ ये जो जितने भी काम हो रहे हैं ये बिल्कुल करप्शन की तरफ ले जाने गए हैं। करप्शन खत्म नहीं हो रहा है और करप्शन को बढ़ावा देने के काम हो रहे हैं। एजुकेशन पे ध्यान देंगे, जो सरकार एजुकेशन पे ध्यान देगी हम उसको जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई भी सरकार हो। सिर्फ एजुकेशन, सरकार एजुकेशन पे ध्यान दे और एजुकेशन पे ध्यान देगी तो कारोबार खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं देगी, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जहालत बढ़ती जाएगी। देखिए, युवाओं का स्पष्ट कहना है कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन होगी तो सारे स्वास्थ्य शिक्षा सभी कुछ सुधर जा सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहे। मोहम्मद आजम, क्या मुद्दे रहे आपके? भैया, हमारे वोट के, जब से मोदी जी यहाँ पे बैठे हैं 2014 से मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोहे की महंगाई, किसानों का बिल्कुल भी काम नहीं है। इन दिनों हमारा सीजन चलता था गन्ने का, क्योंकि किसान लोग आते थे। अब के हमारा पहला चांस ऐसा है कि जो हमने अब के एक्सेल भी अपना मंगाया नहीं है किसान लोगों के उसमें, क्योंकि किसानों पे पैसा नहीं है, उनको गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने बदलाव के। गुलबेश, अगर बात किया जाए तो वहाँ के लोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं। गुलबेश, अगर बात किया जाए तो वहाँ के लोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं, उनके मुद्दे सिर्फ विकास है। और इस बार अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को आप कहीं से भी बहका नहीं सकते, जनता सिर्फ अपना विकास चाहती है। आप कुछ और लोगों से बात करें और बताएं कि लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मत का इस्तेमाल करके वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। आप कुछ और लोगों से बात करें और बताएं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट लोगों का कहना है कि रोजगार के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा के मुद्दे रहेंगे, स्वास्थ्य के रहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम कुछ और से जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद गुलजार अंसारी। अंसारी जी, वोट डाला है आप? डाला है। क्या मुद्दे रहे? विकास का। विकास तो हो रहा है, विकास कहाँ पे हो रहा है? देखिए, विकास हो रहा है, सारे हाईवे बन रहे हैं, सारे के सारे जो है यूनिवर्सिटी बनी है, आपके सहारनपुर को महाविद्यालय तो नहीं है, काम तो नहीं है।
काम तो नहीं, काम कहाँ पे है, काम कहाँ पे है, तो रोजगार की समस्या। हाँ रोजगार, कुछ और लोग हैं उनसे भी सीधे जान लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम नौशाद है सर। वोट डे, वोट डे आ सर। कि क्या मुद्दे रहे आप? मुद्दा मेरा यह है, विकास, कारोबार, हॉस्पिटल, पढ़ाई, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है फिरका परस्ती। जो नेता फिरका परस्ती करेगा वो नेता हमारा है, चाहे वो किसी का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, बहुजन का हो, किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, जो फिरका परस्ती खत्म करेगा हिंदुस्तान से वो नेता हमारा है, वो दिल से हमारे, हम उसको दिल से सपोर्ट करेंगे। मतलब सबको एक साथ लेके चलने वाले नेता को आप वोट करेंगे? नहीं, जो फिरका परस्ती खत्म करे। बिल्कुल, देखिए मुद्दे हैं, मैंने कहा था कि धार्मिक मुद्दे भी यहाँ पर जो है निकल के सामने आते हैं, और लोगों का साफ स्पष्ट कहना है कि देखिए जो साथ सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे उसी को जो है वोट करेंगे। जी गुलबेस, अगर देखा जाए तो सहारनपुर की जनता सिर्फ विकास के मुद्दे पे इस बार वोट देने के उसमें है। जैसा आपने लोगों से बात की, वहाँ की महिलाएं भी काफी उत्साहित दिख रही हैं। तो महिलाएं अभी तक सुबह के 10 बज चुके हैं, आपने पहले भी दिखाया था कि काफी कतारें लंबी थी महिलाओं की भी, तो महिलाओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है सुहेल? देखिए मैंने आपको बताया था कि सहारनपुर जो है विधानसभा 2017 चुनाव के अंदर भी बहुत ही अच्छा मत प्रतिशत यहाँ पर रहा था, और अगर बात करें नुकुड़ सीट की तो नुकुड़ सीट 71% मतदान के साथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर वन सीट रही थी। अब की बार भी देखा जा रहा है 9 बजे तक 12.5% मतदान हो चुका है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब निकल कर, जिनका वोट पहली बार आया है या फिर जिनके 10 वोट अब तक डल चुके हैं, सभी लोग जो है मतदान के लिए निकल रहे हैं और सुबह से जो है मतदान करने के लिए उत्सुक है। लंबी लंबी कतारें लगा रखी है, लगातार मतदान यहाँ पर जो है एक प्रभावी तौर पर देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल सुहेल, आप मतदान केंद्र पर बने रहिए, आप देखते रहिए कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है, कोविड गाइडलाइन का पालन कैसे हो रहा है, हम जल्दी लौटेंगे आपके पास। तो आपने देखा संवाददाता सुहेल गौर हमारे साथ सहारनपुर सीट से, सहारनपुर से जुड़े हुए थे। सहारनपुर में कई हॉट सीट है, अगर बात देवबंद, नकुड़ और ऐसी सीटों की जाए तो कई दिग्गज वहां से उतरे हैं, और वहां पर देखा जाए तो जाति वोट भी काफी ज्यादा है, लेकिन सहारनपुर की जनता इस बार से विकास के मुद्दे पर वोट देने के मूड में है। तो आइए एक बार फिर जान लेते हैं कि 9 बजे तक कितने परसेंट वोटिंग हो चुके हैं। अगर बात की जाए टोटल वोटिंग की तो 9.45% अभी तक वोटिंग हो चुके हैं। वहीं अगर बात सहारनपुर में करें तो सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुके हैं, बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुके हैं, अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुके हैं, शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुके हैं, संभल में 10.76% वोटिंग हो चुके हैं, बरेली में 8.31%, रामपुर जो हॉट सीट बना हुआ है वहां पर 8.27% वोटिंग हो चुके हैं, बदायूं में 9.18% वोटिंग हो चुके हैं, मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुके हैं। तो अभी तक कुल 9 बजे तक 9.45% वोटिंग पूरे हो चुके हैं। जनता बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, अपने मत का प्रयोग कर रही है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया था पहले भी, सुबह से ही महिलाएं लाइनों में हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। महिलाओं का भी मुद्दा विकास है, रोजगार है, हर किसी को इस बार विकास और रोजगार के मुद्दे पर विकास चाहिए। और वहीं आज दूसरे चरण का चुनाव है, 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है, 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में, कई दिग्गज की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। बात अगर शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना की करें, वहीं बात अगर बलदेव सिंह औलख की करें या फिर बात गुलाब देवी की करें, ये तीनों ऐसे मंत्री हैं जो प्रतिष्ठित हैं और कई बार से अपने सीट पर कायम रहे हैं। वहीं बात अगर धर्म सिंह सैनी की करें तो धर्म सिंह सैनी सपा भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं, उनकी भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। तो कुल मिलाकर कुल कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों में 55 सीटों पर होना है, देवबंद और शाहजहांपुर जैसी हॉट सीट्स है, तो वही नकुल से भी है। तो वही हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। वही हमारे संवाददाता मुबारक अली संबल से जुड़ चुके हैं। मुबारक, कितनी भीड़ है सुबह के
दस बजने को आ गए हैं, दस बज चुके हैं, क्या भीड़ है और क्या वोटिंग परसेंटेज है अब तक की संभल में? संभल में वोटिंग जो है सही मायने में कराई जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और जगह जगह प्रशासन और डीएम संभल और एसपी जगदीश मिश्रा लगातार भ्रमण कर रहे हैं और माना जा रहा है और दो दिग्गज नेता बीएसपी समाजवादी के दो दिग्गज नेता कड़ी टक्कर है और 12% पोलिंग पूरे जिले भर में हो गया है। जी अगर बात करें मुबारक महिलाओं की तो कतारों में महिलाएं भी दिख रही है, क्या आपने वहां की महिलाओं से बात करी कि उनका मुद्दा क्या है इस बार वोट का? महिलाओं की बात की जा है, महिला है जो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगी, शिक्षा के मुद्दे करेंगी, जो रोजगार मिलेगा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए तो उस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे वो माना जा रहा है। मुबारक, कोविड गाइडलाइन को लेकर दिव्यांगजनों को क्या सुविधा दी जा रही है मतदान केंद्रों पर? कोविड 19 के तो फिलहाल हमने बातचीत करी थी, वहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है, कंधे पे लेकर अभी विकलांगों को लिए लेकर जाया जा रहा है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक, आप बने रहिए मतदान केंद्रों पर और जानकारी देते रहिए। हमारे संवाददाता मुबारक अली संबल से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है इलेक्शन को लेकर। वहीं अगर बात संबल में वोटिंग परसेंटेज की करें तो अभी तक संबल में 10.76% वोटिंग हो चुका है और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर और संबल के मतदान केंद्रों की, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है, कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हमारे संवाददाता लगातार आपको अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग किस तरह से वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं क्या है, कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ है। तो वही आपको बता दें कि 9 बजे तक कुल परसेंटेज जो है वोटिंग के, जो 9.45% वोटिंग हो चुके हैं, सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुके हैं, बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुके हैं। वहीं अगर बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुका है। बदायूं की बात करें तो बदायूं में 9.1% वोटिंग हो चुका है। वहीं रामपुर जो हॉट सीट है, आजम खां जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं सीतापुर की जेल से, वहीं रामपुर का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 8.27 टोटल वोटिंग परसेंटेज अभी तक रामपुर 9 बजे तक गया है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर मतदान केंद्रों पर खड़े अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रशासन प्रतिबंध है, प्रशासन करा रही है, कोविड गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क भी अलग बनाए गए हैं, दिव्यांगजनों के लिए भी अलग डेस्क बनाए गए हैं। हम आपको तस्वीरें अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर, संबल से मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर है। आज जनता 586 कुल प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम मशीन में लॉक कर देगी। 10 मार्च को यह पता चलेगा कि जनता ने किस प्रत्याशी को चुना है, आगे 5 साल और किस प्रत्याशी को जनता मौका देगी अपना विकास कार्य करने के लिए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनता की तो उत्तर प्रदेश की जनता काफी जागरूक दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ विकास के मुद्दों पर वोट देगी। वहीं सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं, बिजनौर में 8। वहीं हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तुषार, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और अभी तक कितने लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों पर, क्या परसेंटेज है वोटिंग की रामपुर में? आपको बताना चाहूंगा रामपुर में जो वोटिंग की पुलिस वाले हैं मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक पूरे रामपुर जनपद में 8.2% का वोटिंग हो चुकी है। जी तो शार, महिलाओं को लेकर क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर?
जी देखिए, महिलाओं के लिए तो ये व्यवस्था की गई है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग लाइन बना रखी है, और जो पुरुष हैं उन लोगों के लिए अलग यहाँ पर लाइन बना रखी है, और जो दिव्यांग है उन लोगों के लिए भी अलग है। तो सबके लिए यहाँ पर लाइनों की मतलब पूरी व्यवस्था की गई है, और कोरोना का भी मतलब लगातार यहाँ पर मतलब जो है पालन किया जा रहा है। तो शायद रामपुर में कुल 5 सीटें हैं। वही हॉट सीट की अगर बात करें स्वार और रामपुर, तो आजम खान सीतापुर की जेल से लड़ रहे हैं, और अब्दुल्ला खान स्वार की सीट पर, और कई दिग्गज ऐसे मैदान में है। तो जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, आजम खान जो है वो यहाँ पर तो फिलहाल खैर सीतापुर की जेल में है, और जो अब्दुल्ला है वो यहाँ पर है। तो वो लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से अपने वोटों की अपील कर रहे थे, और जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी अभी हाल फिलहाल में रामपुर आए थे, और उन्होंने समाजवादी के लिए और अब्दुल्ला के लिए आजम खान के लिए वोटों की अपील की थी। तो जो उनके जो मेन मुद्दे रहे थे वो विकास कार्य को लेकर रहे थे, विकास कर रहा थे, इन सब चीजों को लेकर उनके मुद्दे रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने रामपुर में आके वोटों की अपील की है। अब इसमें देखने वाली बात दिलचस्प यही होगी कि जो रामपुर की जो जनता है और जो स्वार कांडे की जो जनता है वो किसकी किस्मत को चमकाएगी, क्या बीजेपी को चमकाएगी? क्योंकि वहां से अपना दल ऐसे जो प्रत्याशी है वो हैदर अली खान है, इनकी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल जी, वो भी अभी हाल फिलहाल में स्वार कांडे के जो दलियाल है वहां पर वो पहुंची थी, और उन्होंने हैदर अली के लिए जमकर वोटों की अपील की थी। जी जी तुषार, अगर बात की जाए स्वार विधानसभा सीट की, तो आजम अब्दुल्ला 2017 में भी जीते थे, बट उनका निरस्त कर दिया गया था, उनके कुछ सर्टिफिकेट, जो उम्र का कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया था। तो जनता कितना विश्वास इस बार दिखा पाएगी किस प्रत्याशी पर स्वार सीट से? देखिए मैं आपको बताऊं, दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले पर अब्दुल्ला का जो उनकी विधायकी थी वो रद्द हो गई थी, तो उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या जनता जो थी वो बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, क्योंकि वो जेल चले गए थे। उसके बाद जो स्वार कांडे की जो जनता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से लाचार हो गई थी, दिव्यांग हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई अपना ऐसा मतलब मौजूदा विधायक नहीं था कि अगर उनकी कोई शिकायत हो तो वो उनके पास चले जाए और उनके वोटों मतलब कोई अगर कोई अपनी कहा सुनिए कोई बात है तो जाकर उनसे बोल दें, ऐसा उनके पास कोई नहीं था। और फिर उसके बाद उनकी जो विधायकी थी वो निरस्त हो चुकी थी। तो जनता में कहीं ना कहीं अभी ये चीज भी है कि क्या कहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जनता जो है बहुत सी चीजों को सोच रही है, अब विकास के भी मुद्दे रहेंगे, उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं कि बस जिस पर जनता सोच विचार करके अपना आशीर्वाद जो वोट देगी वो देगी। जी तुषार, जनता इस बार बिल्कुल विकास के मुद्दों पर वोट देने के मूड में। उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, उसे किसी और मुद्दे से भटकाया नहीं जा सकता। वही अगर बात बाकी के 3 विधानसभा सीटों से करें, तो कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है और कौन कितनी अपनी पैठ बना चुका है उन सीटों पर? जी देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे की हमारे यहाँ पर मिलन शाहबाद से है राजवाला, जो बीजेपी से है, ठीक है, वो भी अपने पूरे दमखल के साथ यहाँ पर लगी हुई है। क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग वहाँ पहुंचते हैं। अभी हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, वो भी खैर मिलन शाहबाद वहाँ पे गए थे, उन्होंने वोटों की वहाँ पे अपील की थी। जो और भी जो खैर बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता है वो लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, रामपुर अभी तक आ रहे थे, और लगातार इन लोगों के लिए अपने उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील कर रहे थे। ठीक है, अब लेकिन देखने वाली बात बिल्कुल दिलचस्प ये होने वाली बात है, देखिए क्योंकि रामपुर जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट है इस टाइम। ठीक है, और एक बात और देखिए, सपा की सबसे तेज सीट कहलाने वाली ये रामपुर की सीट, ठीक है, और रामपुर की सीट पे समाजवादी से है इस टाइम आजम खान जी, ठीक है, और उसके बाद उनके अपोजिट में खड़े हुए हैं बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना हनी, क्योंकि आकाश सक्सेना हनी जो है वो भी अब अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि जो उनके भी खैर अपने अलग मुद्दे हैं, उनका कहना ये है कि जिंदराज मुझे खत्म करना है, और इसके अलावा और भी उनके मन में कई सारे मुद्दे हैं। पर देखिए जनता को अब की बार विश्वास है, क्योंकि और जनता अब की बार जो भी निर्णय लेगी वो बहुत ही सोच समझ के लेने वाली है, क्योंकि देखिए और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ये अब की बार रामपुर का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, क्योंकि देखिए 9 बार लगातार आजम खान जो है वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। अगर अब की बार अगर वो हारते हैं, अगर बीजेपी यहाँ से निकलती है, तो ये एक इतिहास हो जाएगा अपने आप में, और रामपुर की जनता। और देखिए एक बात और मैं आपको खैर बताना चाहूंगा कि रामपुर की जनता वैसे भी अपने बदलाव चाहती है। जी तुषार, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें। हमारे संवाददाता तुषार रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जाने माने राजनेता कहे आजम
खा का राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। वो लगातार रामपुर से चुनाव जीतते हैं और इस बार वो सीतापुर की जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता काफी जागरूक हो चुकी है, जनता सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है। तो वहीं उनके ऑपोजिट बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के अगर कैंडिडेट की तो आकाश जी की, तो वो काफी युवाओं में फेमस है, युवा चेहरा है, युवाओं में फेमस है। तो टक्कर भी इस बार कांटे की होने वाली है रामपुर सीट की, क्योंकि रामपुर सीट हॉट सीट बना हुआ। वही बात अगर स्वार सीट की करें तो जहां से आजम खां के ही बेटे आजम अब्दुल्ला खां है, उनका निरस्त कर दिया गया था 2017 में। चुनाव तो जीते थे लेकिन उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी कुछ जन्म प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए, जिसके बाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां की जनता कुछ दिनों तक अपने आप को अकेला महसूस करती थी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। तो इस बीच देखना यह है कि कितना भरोसा वहां की जनता दिखा पाएगी, क्या हर बार का रिकॉर्ड कायम रहेगा या इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग देखा जा रहा है। वहीं पे अगर बात तो पहले चरण की करें तो पहले चरण का चुनाव भी बड़ा ही बेहद दिलचस्प देखने को हुआ था, क्योंकि पहले चरण का चुनाव चुनावी मुद्दा किसानों को लेकर था, कैराना पलायन के मुद्दे को लेकर था। वहीं अगर बात दूसरे चरण की चुनाव की करें तो दूसरे चरण का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि कई हॉट सीटें, कई दिग्गज मैदान में है, चाहे वह शाहजहांपुर सीट हो, रामपुर सीट हो, सहारनपुर सीट हो। कई मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में है, मंत्री सुरेश खन्ना भी चुनावी मैदान में है, काफी पैठ माना जाता है उनकी अपनी सीट पर। वहीं अगर उनके मेन ऑपोजिट पार्टी में देखें तो तनवीर खां उनके सामने खड़े हैं। वहीं अगर बात गुलाब देवी की करें, बलदेव सिंह औलख की करें, तो ये सभी एक प्रतिष्ठित नेता है, इनका रिकॉर्ड रहा है। वहीं धर्म सिंह सैनी जो भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए, उनकी भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। ये जनता के हाथ में है कि जनता किसको अपना नेता चुनेगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता से विकास, रोजगार, शिक्षा के मुद्दों पर मतदान कर रही है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर है। सभी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामपुर, शाहजहांपुर कई हॉट सीट भी बने हुए हैं और सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें सुबह 9 बजे तक की कुल वोटिंग परसेंटेज की, तो 9.45 टोटल वोटिंग 9 बजे तक हो चुका है। वहीं सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, तो बिजनौर में 8, अमरोहा में 4, संभल में 4, मुरादाबाद में 6, रामपुर जो हॉट सीट है वहां पर 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 सीटों पर आजम खां और उनके बेटे आजम अब्दुल्ला खां लड़ रहे हैं। बदायूं में 6 सीटें। शाहजहांपुर भी हॉट सीट है क्योंकि सुरेश खन्ना काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। सुरेश खन्ना के ऑपोजिट में समाजवादी पार्टी से तनवीर खां खड़े हैं। वहीं साथ ही साथ आज उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, 13 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, 13 जिलों की 70 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। गोवा में भी आज चुनाव है, गोवा में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं आपको एक बार और बता दें कि 9 बजे तक कुल 9.45% वोटिंग हो चुका है। बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुका है, बिजनौर में 9% वोटिंग हो चुका है, अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुका है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुका है, संभल में 10.76% वोटिंग हो चुका है, बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुका है, रामपुर जो हॉट सीट मानी जा रही है वहां पर 8.27% वोटिंग हो चुका है, बदायूं की बात करें तो बदायूं में 9.18% वोटिंग हो चुका है, मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुका है। 9 बजे तक टोटल 9.45% वोटिंग हो चुका है। बड़ी संख्या में जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। कुल 9 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव होना है।
आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान शुरू हो चुका है, सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। सीधा आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता ग्राउंड पर है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किन मुद्दों पर लेके पे जनता वोट दे रही है। आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। जनपद संभल के विधानसभा असमोली के मैं मौजूद है और लोगों की मतदाता कर अपना वोट अपना करने आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पर। कोरोना का पालन कराया जा रहा है, सैनिटाइजर भी यहाँ पर मौजूद रखा पड़ा है और सैनिटाइजर मौजूद रखा है और सामने पुलिस प्रशासन और सख्ती से पालन करा रहे हैं चुनाव का। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हो और एजेंट यहाँ पे पोलिंग बूथ पर भी मौजूद हैं और कोई भी और जनता जाती है संभल की जनता विकास पर वोट करेंगे। विकास का मुद्दा ये रहेगा और इससे पहले इन पहले नेताओं से जनता खुश नहीं है और देखने वाली बात ये होगी और आने वाले 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे और जनता से बात करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे जनता के, किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या है इनकी मंशा सर, किन मुद्दों को लेकर आप हम ये विकास चाहते हैं अपने इसमें और अपने हाथ जुड़ाना चाह रहे हैं। मैं आपसे चुनाव से निगम पंचायत में चुनाव क्या है तुम्हें विकास हो, कोई परेशानी हो क्या है ना समझ है अभी बताने से शिक्षा रही है। और दूसरी बात यह जो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र से पहले से ही संपल बिछड़ा हुआ है और यहाँ के नेताओं ने कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं कराया है और जनता चाहती है विकास चाहती है और अब बोलने से इस चीज़ आ रही है जनता और कोरोना पालन का पुलिस फोर्स का हमें लगातार पालन करा रहा है और सख्ती से पालन हो रहा है और जहाँ ईवीएम खराब हो जाती है वहाँ तुरंत बल दी जाती है। प्राइम टीवी मुबारक अली संभल। आज संभल में मतदान हो रहा है, बहुत ही अच्छी संख्या में लोग मतदान करने के लिए उमड़े हैं, इस बात को हम लोग लोकतंत्र की जीत समझते हैं। साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह चाक चौबंद है, कहीं पर कोई हिंसा अथवा ऐसी तरह की कोई मारपीट या कोई बात की शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, जहाँ पर कोई अगर इस तरह की शिकायत आएगी हमारी सुरक्षा बल सभी उन जगहों पर अलर्ट हैं, हमारी मोबाइल्स भी लगातार घूम रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर एक बूथ पर 10 मिनट में कोई ना कोई एक मोबाइल घूमे और वहाँ पर चेक करे, तो इस तरह की चेकिंग लगातार चल रही है और हम लोग इसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ में काम कर रहे हैं। अभी सुबह से आप तमाम बूथों पर घूमे हैं, तो क्या व्यवस्था क्या रही है सर, क्या कुछ व्यवस्था? बहुत अच्छे से है, हमारे सभी सुरक्षा बल एकदम मुस्तैद हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ रूफ टॉप भी लगाया हुआ है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी चल रही है, जो भी कहीं पर अगर कोई फर्जी वोटिंग अथवा इस तरह की चीज़ आती है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन अगर हम लोग इस तरह की कोई बात होगी तो उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महाकुंभ जारी है और मतदाता जो है लगातार सहारनपुर के अंदर जो है बड़ी संख्या में जो है युवा बुजुर्ग सभी लोग जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग आए अब जानते हैं सीधे इनके। आपने वोट कर दिया? कर दिया जी। क्या नाम है? जगपति। किस 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 लिए वोट किया, क्या मुद्दा? अरे देखो इसने बहुत गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिल्कुल बहन बेटी कोई बिरादरी के कहीं भी जाओ और खाने को क्या नहीं मिल रहा, जो ये कह रहे हैं खाने रहे, खा जाओ कसम भगवान की हमें कुछ नहीं मिला, सब चीनी से लेकर और चावल से गेहूं से रिफाइंड से चने से क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। और तुम खा के बदनाम कर रहे हो तो गलत बात है, अगर खा के बदनाम करोगे तो भगवान घर तुम्हें जगह भी नहीं मिलेगी कहीं। देखिए कुछ और लोग हैं, कुछ मुस्लिम मतदाता भी हैं यहाँ पर, उनसे भी सीधे जान लेते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे रहे। वोट कर दिया आपने? हाँ जी कर दिया। किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया? बेरोजगारी को लेके वोट किया और महंगाई को लेके वोट किया, महंगाई हद से ज्यादा हो रही है, राशन ही राशन से सब कुछ थोड़ी ना होगा, तो मिल रहा था रोजगार भी तो होना चाहिए ना, रोजगार कुछ नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा जो ये मुद्दे उठते हैं हिजाब को लेकर मुद्दे उठते हैं, राजनीतिक धर्म को लेकर मुद्दे उठते हैं, तो उन्हें लेके क्या कहेंगे? ये तो हमारा धर्म है देखो, और ये हमारी पहचान है, ठीक है, ये नकाब जो है ये हमारी पहचान है। देखिए कुछ और मतदाता हैं यहाँ पर, उनसे भी सीधे जान लेते हैं किन मुद्दे रहे, क्या मुद्दे रहे आपकी? वोट डाला है आप? वोट डाले। क्या मुद्दे रहे आपके? आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री से काफी मकान बने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज अंसारी है सर। हाँ तो क्या प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में दिए क्या कुछ मुद्दे रहे बताइए। देखो कुछ लोग नहीं लेना चाहते तो उसका इलाज थोड़ी है, आदमी मांगे फार्म भरे चक्कर काटना तो पड़ेगा, ये थोड़ी प्रधानमंत्री घर आके आपको वो देगा मकान कि आ जाओ मकान ले लो, ये थोड़ी होता है, जो तरीका है उस तरीके से आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राशन सब ले रहे हैं और उसके बाद में कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है,
वे ऐसा गलत बोले। आप मुस्लिम हो और आप मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। ये गलत बात है कि किसी का राशन खा के उसे गलत बोलना, ये गलत है। देखिए मतदाताओं का जो है रुझान है, सभी का कहना है कि देखिए योजनाओं को लेकर लगातार जो है यहाँ पर जो है मतदाता आ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे हैं लेकिन वोट डालने के लिए लगातार आ रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सहारनपुर की समस्याएं रहेंगी, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर वोट हो रहे हैं। जी सर, आपका नाम? श्याम बिहारी शर्मा। वोट डाला है जी? क्या मुद्दे थे? हमारा कोई मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा सिर्फ भाजपा को जिताना है जी। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सामाजिक मुद्दे हैं, सरोकार हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं। जी सर, आपका नाम? यामीन। वोट डाला है? हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या पता जी मुद्दे किस एक विकास को लेकर? अरे गरीब आदमी कुछ नहीं, रोटी का मुद्दा चाहिए। देखिए रोटी का मुद्दा चाहिए, तो लगातार आपने देखा कि सहारनपुर के इस मतदान केंद्र पर जो है युवा बुजुर्ग सभी लोग मत डालने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग सरकार से रुष्ट हैं, कुछ लोग नाराज हैं और कुछ लोग जो है सरकार के पक्ष की भी बात कर रहे हैं। तो मुद्दे अनेक हैं लेकिन वही है कि मतदान लगातार सुचारू रूप से सहारनपुर के अंदर जारी है। सहारनपुर से कैमरामैन नाहिद अंसारी के साथ सोहेल गौर, प्राइम टीवी न्यूज़। आज हम विधानसभा ज्वालापुर के एक बूथ पर खड़े हुए हैं और आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मतदान करने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रामपाल सैनी, प्राइम टीवी चैनल, हरिद्वार, धनोरी से। इसमें 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव स्टार्ट हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं बिजनौर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए सुबह से ही 7 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। और बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल की, तो कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ ही सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग से उनकी जांच की जा रही है। देख सकते हैं आप इस समय कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही हैं। अब जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जहाँ पर 9 बूथ बनाए गए हैं। तुषार वर्मा, प्राइम टीवी, बिजनौर। वही हम आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 9 बजे तक टोटल 9.45% वोटिंग हो चुका है। बात अगर बिजनौर की करें तो बिजनौर में 9% वोटिंग हुआ है, रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुका है, बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुका है, अमरोहा में 7.65% वोटिंग, संभल में 10.76%, सहारनपुर में 10%, मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुका है, संभल में 9.18% वोटिंग हो चुका है, शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुका है। हम आपको स्क्रीन पे सुबह 9 बजे तक के टोटल वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का टोटल 9.45% वोटिंग हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों में 55 सीटों पर हो रहा है। कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो यही कई दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, बिजनौर में 8, बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में 4, संभल में भी 4, संभल से ही गुलाब देवी भी है, संभल की ही एक विधानसभा सीट से गुलाब देवी भी है। संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं, मुरादाबाद में 6, रामपुर में 5, रामपुर में भी 2 हॉट सीट बनी हुई है, बरेली में 9, बदायूं में 6, शाहजहांपुर में 6। तो वही बिजनौर से संवाददाता तुषार वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कितने लोग अभी तक मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ उत्साह है लोगों में? देखिए बिजनौर जनपद में 8 विधानसभा हैं और सुबह 7 बजे से ही यहां पर मतदान शुरू हो गया था, जिसके लिए जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं, एक उनमें उत्साह भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की लाइन लगी हुई है और सुबह 9 बजे तक जो सुबह 2 घंटे का जो हुआ था, सुबह 7 से 9 बजे तक 9% बिजनौर जिले में मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हम नेटोर विधानसभा में हैं इस समय, HMI मतदान केंद्र पर। यहाँ टोटल 5 बूथ हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं खड़ी हुई हैं जो अपने मत का प्रयोग
प्रयोग करने के लिए आ रही हैं, एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो अपने मत का प्रयोग करने आ रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इनके हैं जो सोच कर ये मत का प्रयोग करेंगे। जी क्या नाम है आपका, बोल पाएंगे? पीछे बोलेंगे। आप कुछ बोल पाएंगे? आप कुछ बोल पाएंगे? क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना जी ये बताइए, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? मैं क्या बताऊं? देखिए आप देख सकते हैं सुबह से जो मतदाता हैं वो जागरूक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं ये थोड़ा सा बोलने में दिक्कत कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं कि सुबह से ही कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। और चलते हैं हम आगे बात करने के लिए, जानना चाहेंगे महिलाओं से या यहाँ हमारे पास युवा हैं। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद जी ये बताइए, आप एक युवा हैं, क्या क्या मुद्दे सोचकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? विकास के लिए, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई को लेकर, कारोबार, बेरोजगारी खत्म हो, सब चीज खत्म हो। आपका क्या नाम है? इस्माइल। आपका, आप क्या मुद्दे सोचकर अपने मत का प्रयोग करेंगे? विकास के लिए। विकास किस तरह का? विकास बस इस तरह का चाहिए कि मतलब काम हो, पढ़ाई हो और अपना सुरक्षा में रहें, बस यही है। देखिए यहाँ के जो युवा हैं ये पढ़ाई रोजगार को लेकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी जी तुषार, जैसा आपने बात किया और इस वक्त लोगों से बात करके साफ पता चल रहा है कि लोग सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर वोट देंगे, महिलाएं भी काफी लंबी कतारों में हैं। तुषार अगर बात की जाए तो महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? देखिए पूरे जनपद बिजनौर में 8 विधानसभा हैं, 8ों विधानसभा में 8 बूथ बनाए गए हैं जो कि मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 8 और 8 महिला पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग या दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा जनपद बिजनौर में। कोविड गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कोविड गाइडलाइन का कैसे पालन कराया जा रहा है तुषार? कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है, सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनको सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मास्क भी प्रशासन द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जी तुषार, अब वहाँ के लोग विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, महिलाओं की लंबी लाइनें हैं, अब बिल्कुल वहां पर बने रहिए, वहां पर नजर बनाए रखिए कि किस तरह से महिलाएं वोट दे रही हैं। हमने देखा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बोलना नहीं चाह रही हैं, लेकिन ऐसा है कि वो अपने मत का प्रयोग करने जरूर आई हैं, तो क्या इनमें कुछ ऐसी और भी महिलाएं हैं जो बिल्कुल मुखर होकर बोल रही हैं कि किन मुद्दों पर वो वोट देंगी? तुषार वहां पे कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो वोट देने आई हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहती किस मुद्दे पर वोट देंगी, तो क्या कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो अपने मुद्दों को बताना चाहती हैं? और वहां की सीट से कौन प्रत्याशी कितने मजबूत दिख रहे हैं? बात अगर बिजनौर की जाए तो बिजनौर में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं, तो कौन कौन से प्रत्याशी कितने मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर? देखिए बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर में 8 विधानसभा हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, बसपा भाजपा और गठबंधन में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं से फिर दोबारा से जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर क्या सोचकर ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है मैडम? देखिए ये महिलाएं बोलना नहीं चाह रही हैं लेकिन अपने मत का जरूर लेकिन तुषार अगर देखा जाए तो महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ गई हैं। अगर देखा जाए वक्त की बात करें तो अभी सुबह के 11 बज रहे और महिलाएं भी लंबी कतारों में मतदान केंद्रों पे खड़ी हैं। बिल्कुल तुषार अपनी नजर बनाए रखे, बिल्कुल आप देखें किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है। हम जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बिजनौर की जनता ने बताया कि किन मुद्दों पर वोट देगी, उनका क्या मुद्दा होगा। प्रदेश की जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए ही जनता वोट देना चाहती है। बिजनौर में कुल 8 विधानसभा सीट है, तो वहीं आपसे प्राइम टीवी की खास गुजारिश, अगर आपके जिले में हो रहा है मतदान तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।